ओके सो गाइस, वीडियो का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो वो गाइस गार्डन के ऊपर रहने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। ओके सो व्हाट्सएप एवरीवन, इट इज़ पुरुष तलविया एंड यू आर वाचिंग पुरुष तलविया यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं अभी वो गाइस गार्डन के पास, जो कि गिरा रोड के पहले एक गार्डन है और काफ़ी अच्छा बनाया है यह गार्डन। तो चलते हैं इसके अंदर देखते हैं। तो गाइस, इसके अंदर सैल करने के लिए काफ़ी सारे ट्रीज़ है, जो कि हम लोग अपने घर के अंदर इंडोर में भी लगा सकते हैं। वैसे ट्री ये लोग सेल करते हैं और हम लोग इसे काफ़ी चीप प्राइस में बाई कर सकते हैं। एंड उसके बाहर काफ़ी सारे एनिमल बनाए हैं गार्डन में घूमने के लिए, और ये एनिमल एकदम ओरिजिनल जैसे ही दिखते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारा खर्चा किया है, ये एक लकड़ बग्घा बनाया है जो एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल के जैसे ही दिखता है। एंड ये है लोमड़ी, फॉक्स बोलते हैं इसे हम लोग। एंड एक टाइगर भी बनाया है, काफ़ी अच्छा खूंखार जैसा दिखाया है इसे। और उसके दूसरी साइड एक लैपर्ड बनाया है दहाड़ता हुआ। उसके थोड़े से आगे एक बंदर बनाया है, एक टहनी के ऊपर खड़ा है, और थोड़े से आगे एक बांस बनाया गया है जो कि एकदम ओरिजिनल जैसा दिखता है। और इसके थोड़े से आगे शेर बनाए गए हैं दो, एक शेरनी है और इसके एक साइड ही सामने शेर बनाया है। शेर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड ये एक ब्रिज बनाया गया है जो मानसून सीजन में इसके अंदर इसके नीचे से पानी जाता है, और उसके एग्जिट ही बाजू में क्रोकोडाइल बनाया है जो कि ओरिजिनल जैसा ही है। और इसके सामने ओरिजिनल भी आ जाए तो भी पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल कैसा है और डुप्लीकेट कौन सा है वो। और बाजू में एक हिरन है, और ये गार्डन के अंदर सांप ऐसे ही घूमते हैं। तो एक सांप मुझे भी दिख गया था, तो वीडियो बनाने के लिए मैं सामने गया था सांप के पास। ये रहा वो सांप, काफ़ी बड़ा था ये सांप। ये कौन सा था वो तो मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन गार्डन के अंदर ऐसे ही घूमता रहते हैं। एंड थोड़े से आगे बटरफ्लाई पार्क है, इसके अंदर आप लोग फ़ोटो खींच सकते हो अच्छी अच्छी बटरफ्लाई के साथ। बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई बनाई गई है। और मैं अंदर नहीं गया और बाहर ही गार्डन के अंदर घूमने के लिए निकला। इधर बांस का जंगल जैसा बनाया गया है ये गार्डन, और मंकी भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये मंकी को खाना देने की गलती मत करना, वरना ये आप पर कभी भी झपट पड़ सकते हैं। और आदिवासी संस्कृति को इन लोगों ने डिफाइन किया है, आदिवासी चित्र और ये सब बनाया है, और खेती भी कैसे करते थे वो बनाया है, एंड डांस करते हैं वो बनाया है, और प्रकृति की जो पूजा करते हैं वो बनाया है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अगर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।